सो गाइस, नए फ्रेश पार्ट में आपका बहुत स्वागत है। ये वाला वीडियो कल डालने के बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, इंस्टाग्राम पे डीएम आ रहा है कि उसको ये वाला सेटअप चाहिए। देखो, मैं इस सेटअप को शिप नहीं कर सकता क्योंकि ये सब कुछ हैंडमेड है। अभी मेरे पास 5-6 लोगों का डीएम ऑलरेडी आ चुका है कि भाई मैं आपको पैसे देने के लिए रेडी हूँ कि ये वाला सेटअप मतलब कैसे आपने फिटिंग का मैंने दिखा दिया, वो वाला कस्टम फ्रेम ये सब नीचे वाला है, मतलब ऐसा इस तरीके से सेम टू सेम फिटिंग चाहिए ये वाला हेडलाइट के साथ। तो ये वाला हेडलाइट तो आप अमेजोन पर मिल जाएगा, आप कोई सा भी हेडलाइट ले सकते हो 7 इंच वाला। और ये जो फ्रेम है ये बुलेट का फ्रेम है, ये भी अमेजोन पर मिल जाता है। बट ओवरऑल ये वाला पत्ती है, ये वाला फ्रेम, नीचे का सेटिंग, वो सब मैं आपको शिप नहीं कर सकता। आप किसी अच्छे वेल्डिंग वाले को, मैकेनिक को पकड़ो, ये वाला वीडियो दिखाओ, उसके बाद आप इस टाइप का मॉडिफिकेशन खुद से ही कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, लेबर ज़्यादा जाता है बट मटेरियल्स कम जाता है, तो इस टाइप के मॉडिफाई करने में बाइक तो लाना पड़ेगा, तो फॉर दैट रीज़न मैं इसको शिप नहीं कर सकता। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, और आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, और आपको ये वाला लुक बाइक का कैसा लग रहा है टैंक के साथ डिफरेंट कमेंट करिएगा। ऑलराइट, जो ये वाला बेंडिंग है मैंने पिछले वीडियो में एंड पार्ट में दिखाया था, हमने यहाँ पे कटिंग किया है अकॉर्डिंग टू हमारा नीड, यहाँ पे कटिंग किया है क्योंकि ये फ्रेम के साथ बिल्कुल सेटिंग हो जाएगा। ऑलराइट, तो हमने ये वाला फ्रेम वेल्डिंग कर दिया, और इस साइड के ये वाला फ्रेम देखो, दोनों लगभग सेम है, सेम पोजीशन में। और अगर मैं इस साइड से दिखाऊँ तो लगभग 19-20 का फ़र्क है, लगभग सेम टू सेम ही जा रहा है। और अभी एक और एक जुगाड़ करना पड़ेगा हमको, जुगाड़ वो है, तो ये वाला पार्ट तो चलो फिक्सिंग हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट तो फिक्सिंग हो गया और टैंक भी हम इसको निकाल सकते हैं। बट जो हमने ये वाला इसको कटिंग किया है, ठीक है, और इधर भी हमने एक्स्ट्रा कटिंग किया है, तो वो इसके एकदम इस तरीके से देखो गैप टू गैप फिटिंग हो जाएगा। और इसमें भी हम नट बोल्ट सिस्टम करेंगे, तो इसमें ने तो इसमें हम 13 mm का ड्रिल किए हैं। तो आइडिया ये है, कुछ हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है, देख सकते हैं। तो ये वाला पार्ट वाशर के साथ इसमें देख सकते हैं एग्जैक्ट फिटिंग हो रहा है, तो यहाँ पर हम वेल्डिंग कर देंगे, इसका मैं प्रोसेस दिखाऊंगा। और यहाँ पे दो मैंने होल छोड़ा है ये वाला, ये क्या होगा, हम अगर बाहर से कुछ एक्सटेंशन वगैरह हिमालयन ट्राइज जैसे होता है अगर करना चाहते हैं, तो सिंपली हम सेम ये वाला सिस्टम यहाँ पे भी कर देंगे, मतलब ड्रिल किया हुआ रहेगा, बोल्ट ऑन किया हुआ रहेगा। किसी को अगर बाद में एक्स्ट्रा मतलब किसी का मतलब हमें ही एक्स्ट्रा अगर अटैचमेंट्स अटैच करना है तो सिंपली यहाँ पे लगाएंगे, नट बोल्ट सिस्टम टाइट कर देंगे तो हो जाएगा। पहले यहाँ पर हम इस होल पर थ्रेडिंग इस तरीके से बना के रखेंगे, मतलब मैक्सिमम काम चाहिए बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ, और बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कंपनी जैसा फिटिंग हो, ऊपर से बाइक तगड़ा मॉडिफिकेशन वाला दिखना चाहिए। तो ये मेरा बाइक का बनाने का मूल मोटो है। तो और परफॉर्मेंस वगैरह तो 220 का मतलब पहले से ही बेहतर है, तो ओवरऑल देखते हैं। तो इसका वेल्डिंग का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने कुछ इस तरीके सेटिंग बनाया, देख सकते हैं, तो ये वाला पार्ट इसके अंदर घुस जाएगा, देख सकते हैं, और यहाँ पे हम वेल्डिंग कर देंगे। एंड हमने सेम इस तरह का सेम चीज़ बनाई है, देख सकते हैं, तो वो हम यहाँ पे ड्रिल कर देंगे, क्योंकि ये अगर यहाँ पे ड्रिल करेंगे तो ये इसमें देख सकते हैं ऑलरेडी कंपनी से वेल्डिंग किया हुआ है, तो इसको ऊपर ड्रिल करना सही नहीं रहेगा, तो हम इस तरह का डिस्टेंस बना के करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर डाल देते हैं, वही बोल्ट ऑन करेंगे, उसके बाद इसको वेल्डिंग कर देंगे। आई थिंक गैप को थोड़ा सा करना पड़ेगा इधर, हाँ ये सही रहेगा।
ये वाला गैप लगभग सही है। अभी ये वाला खाली खालीपन दिख रहा है ना, अब इसके ऊपर हम कस्टम फ्रेम डिजाइन करेंगे तब जाके आपको ओरिजिनल डुकाटी टाइप का लगेगा। सो एज यू कैन सी हमने ये वाला क्लैम बनाया, देख सकते हैं। अभी फिनिशिंग लेना बाकी है, साइड में वेल्डिंग करना बाकी है, बट काम जो है प्रॉपर तरीके से हुआ है। इसको ही हमने ये पे बोल्ट ऑन कर दिया और सिंपली यहाँ पे इसको हम बोल्ट ऑन कर देंगे। दैट्स राइट। तो हमारा ये वाला वेब देखो, फ्रेम बिल्कुल बिल्कुल स्टेडी हो चुका है। तो जो मैंने आइडिया लगाया था वो सेम काम किया है। तो अब इस पीछे का फ्रेम का डिजाइन देखो, कुछ तिरछा करके है, त्रिकोण टाइप का। तो अगर सामने भी सेम फ्रेम करना है, सेम फ्रेम कंटिन्यू करना है, तो हमको इस तरह पे यहाँ पे करना पड़ेगा। बट इसके साथ ये वाला पाइप वेल्डिंग होगा, ऊपर में नहीं वेल्डिंग होगा, क्योंकि हमको ये वाला पार्ट रिमूव करना है, वो भी ध्यान पे रखना है। तो डिज़ाइन इस तरीके से हो सकता है और इस तरीके से हो सकता है। पर मैंने क्या सोचा है, पीछे ऐसा फ्रेम चलो ठीक है, मैंने सोचा है सामने पैरेलल फ्रेम करते हैं। जैसे ये वाला फ्रेम इसके साथ अटैच हो गया और ये वाला फ्रेम इसके साथ इस तरीके से अटैच होगा और एक टुकड़ा इस तरीके से। तो मुझे सही लग रहा है। तो हम इसमें सामने पैरेलल फ्रेम करेंगे, पीछे तो KTM जैसा त्रिकोण टाइप का फ्रेम है। तो लेट्स डू इट। ऑल राइट गाइज, तो लगभग सारे दिन के मेहनत के बाद हमारा जो ये वाला फ्रेम है अभी देखो, तो उस साइड का फ्रेम बाकी है, उस साइड का लगभग तो सेम है, क्या दिखाऊँ। बाकी इस साइड का फ्रेम देखो, देखो ऊपर में हम वेल्डिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे और हमने गैप बिल्कुल सेम सेम छोड़ा है। तो नीचे वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा, तो इंजन उतारने में या फिर कुछ करने में दिक्कत नहीं आएगा। अब ये वाला पार्ट जब कलर होगा ना भाई, गजब लगेगा। सिर्फ कलर का ही डिफरेंस है, अगर कलर हो जाएगा तो मतलब झक्कास लगेगा। तो अभी ये है हमारा डुकाटी टाइप का, मैंने बहुत ट्राई किया, बाकी रिजल्ट जो है आपके सामने है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने चाह रहा था कि इंजन को स्टार्ट करना है या रेगुलेटर बॉक्स को फिटिंग करना, बट फिर भी इस वीडियो में भी हुआ नहीं, क्योंकि भाई काम के एक सब काम करने में ना टाइम जाता है। मतलब आप देख रहे हो 5 मिनट 10 मिनट में हो गया है, बट एक ये सब काम करने में टाइम जाता है। तो ओवरऑल बाइक का लुक अभी क्या आ रहा है, डिफरेंट कॉमेंट से कॉमेंट करेगा। नेक्स्ट वीडियो में पक्का, एकदम पक्का हम नेक्स्ट वीडियो में एयर फिल्टर बॉक्स जो भी छोटे मोटे काम है करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है इसका साइलेंसर भी आ जाएगा, क्योंकि लेने जाना है। तो अभी बाइक का जो ओवरऑल लुक है इस साइड से, क्योंकि उस साइड का तो कंप्लीट हुआ नहीं, इस तरीके से आ रहा है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और आजकल आप वीडियो को लाइक वगैरह नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको कुछ भी चेंजेस करना है, सुझाव हो, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अगर मेरे मतलब मुझे सही लगा तो डेफिनेटली वो वाला आइडिया आपका इंप्लीमेंट करेंगे। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं भाई सामने का USD कहाँ गया। भाई USD का भी शॉर्टेज चल रहा है, इसलिए मैंने जो मेरे पास USD था वो एक कस्टमर को सेल कर दिया है, क्योंकि कस्टमर पहले, उसके बाद इसका USD आएगा बट लेट आएगा, क्योंकि अभी USD का शॉर्टेज हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ इसमें डोमिनर 250 का, डोमिनर 400 का न्यू USD बिठाऊँ, ओल्ड नहीं है न्यू, उसके बाद बाकी सेटअप वगैरह करेंगे। तो ओवरऑल बाइक का स्टोरी है, सो मिलता है अगले पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।